तो सबसे पहले आते हैं जेमिनी के इंटरफेस पे। तो ये है जेमिनी का इंटरफेस, और अगर आप लोग यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपके सामने एक ऑप्शन आएगा जेमिनी और जेमिनी एडवांस। तो यहाँ से आप लोग जेमिनी एडवांस को एक्टिव कर सकते हो। तो अगर आप लोगों ने बाय किया तो आप लोग एक्टिव कर सकते हो, अगर बाय नहीं किया तो आप लोग इस वीडियो को देख सकते हो। लेकिन इस वीडियो में ऐसे भी सिर्फ और सिर्फ जेमिनी का ही यूज करूंगा, क्योंकि जेमिनी ऑलरेडी इतना पावरफुल है कि वो आपके सारे काम कर देगा। जेमिनी एडवांस उन लोगों के लिए है जो कि बहुत सारे डाटा के साथ उन्हें खेलना होता है और कुछ डीप एनालिसिस करना होता है। तो अगर आप लोग जेमिनी और गूगल वर्क स्पेस को कनेक्ट करना चाहते हो तो उसके लिए आपको एक्सटेंशन को ऑन करना होगा। तो एक्सटेंशन को ऑन करना भी बहुत ही ज्यादा आसान है। आपको सिंपली सेटिंग पे क्लिक करना है, देन एक्सटेंशन में जाना है, देन यहाँ पे आप लोग देख सकते हो एक्सटेंड योर सर्च। आपको शो मी मोर पे क्लिक करना है और फिर आपको यहाँ से कंटिन्यू पे क्लिक करना है, देन आपको कनेक्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड आपका सारा एक्सटेंशन ऑन हो चुका है। और अब मैं अगर इससे कुछ भी पूछूं अपने वर्क स्पेस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन तो ये मुझे बता देगा। जैसे कि मेरे ड्राइव में एक बुक रखा है तो मैं इसे बोलता हूँ उसका समरी करने। तो मेरे पास यहाँ पे बुक समरी आ चुका है, मैं इसे पढ़ सकता हूँ और आप लोग नीचे देख सकते हो यहाँ पे पीडीएफ भी शो कर रहा है। मैं यहाँ से इस पीडीएफ को ओपन भी कर सकता हूँ। अब मैंने गूगल ड्राइव को टैग किया और मैंने कहा कि मुझे मेरा रिसेंट का टैक्स इन्फॉर्मेशन बताओ। तो आप लोग देख सकते हो मेरे सामने मेरा टैक्स इन्फॉर्मेशन आ चुका है और यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ कि रिसेंट टैक्स इन्फॉर्मेशन कब का है, और ये पीडीएफ भी मेरे सामने आ चुका है और इसे मैं ओपन भी कर सकता हूँ। अब हम लोग देखते हैं जीमेल का कुछ बेस्ट फीचर्स। तो मैंने इसे कहा कि मुझे जो विजन लक्स की तरफ से रिसेंट मेल आया है उसमें मेरे लिए कौन कौन से टास्क है। तो आप लोग देख सकते हो मेरे सामने टास्क लिस्ट आ चुका है कि मुझे कौन कौन से काम करना है। मुझे पूरा का पूरा मेल पढ़ने का कोई जरूरत नहीं, मैं आसानी से यहीं पे देख सकता हूँ कि उस मेल में क्या क्या बातें हुई है। अब मैंने जीमेल को टैग किया और मैंने कहा मुझे सारे ट्रेन टिकट के मेल दिखाओ। तो इतने सारे ट्रेन टिकट मैंने बुक किया और ये सारे डिटेल मुझे लाके दे चुका है। तो अब इसे थोड़ा सा टफ करते हैं और इसे बोलते हैं कैलकुलेट ऑल द मनी आई स्पेंड ऑन ट्रेन टिकट यूजिंग दीज इन्फॉर्मेशन। तो आप लोग देख सकते हो बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन योर ईमेल यू हैव स्पेंट ए टोटल ऑफ अमाउंट 4478 रुपीज ऑन ट्रेन टिकट। तो आप लोग देख सकते हो मैंने इतना ट्रेन टिकट पे खर्च किया और इसने मुझे ऐड करके बता दिया। अब मैंने पहले इसे कहा कि मुझे मेरे सारे एक्सिस बैंक के मेल दिखाओ, फिर मैंने इससे पूछा कि मेरे एक्सिस बैंक में लास्ट के दो मंथ में कितने रुपए क्रेडिट हुए। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे रिजल्ट आ चुका है कि मेरे एक्सिस बैंक में दो मंथ में कितने क्रेडिट हुए। तो ऐसे करके भी आप लोग चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको कुछ डिफॉल्ट प्रॉम्प्ट भी मिलते हैं जिसका आप लोग यूज कर सकते हो। तो अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए जेमिनी से तो आप लोग इन डिफॉल्ट प्रॉम्प्ट का यूज करो और आप लोग बस यहाँ पे अपना इन्फॉर्मेशन डाल दो। आपको जो भी चेंजेस करना है आप लोग उस हिसाब से कर लो और आप लोग इससे जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए वो मिल जाएगा। और आप लोग जितना ज्यादा डिफॉल्ट प्रॉम्प्ट का यूज करोगे उतना ज्यादा आपको सीखने को मिलेगा कि सही तरीके से प्रॉम्प्टिंग कैसे किया जाता है। जैसे कि मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं इसे चेंज कर देता हूँ इन्फॉर्मेशन को बस। तो आप लोग देख सकते हो मेरे सामने ये इन्फॉर्मेशन आ चुका है कि हाँ मैं चिकन बिरयानी को और भी ज्यादा डिलीशियस कैसे बना सकता हूँ। तो यहाँ पे कुछ और भी ऑप्शंस देखने को मिलते हैं जिसका यूज करके आप लोग जेमिनी को और भी अच्छे तरीके से यूज कर सकते हो। तो सबसे पहले तो है यहाँ पे शो ड्राफ्ट्स का। तो अगर आप लोग शो ड्राफ्ट्स पे क्लिक करते हो तो आपके सामने तीन रिस्पॉन्सेस देखने को मिलते हैं। तो हमेशा जेमिनी आपको तीन रिस्पॉन्स देता है, आपको इसमें से जो अच्छा लगता है आप लोग उसका यूज कर सकते हो, उसे पढ़ सकते हो। और अगर आपको इस रिस्पॉन्स को सुनना है तो आपके सामने यहाँ पे एक स्पीकर का भी ऑप्शन है, आप लोग इसे सुन भी सकते हो क्लिक करके। एंड नीचे आते तो यहाँ पे आपको कुछ और भी ऑप्शन देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले तो है डबल चेक रिस्पॉन्स। अगर आप लोग इस पे क्लिक करते हो तो ये पूरा डबल चेक करेगा कि हाँ इसने इन्फॉर्मेशन सही दिया है या नहीं आपको। तो आपको पूरा का पूरा सब कुछ हाईलाइट हो जाएगा और आप लोग देख सकते हो ये इन्फॉर्मेशन इसने कहां से उठा के दिया है। अगर आप लोग इस पे क्लिक करोगे तो आपके सामने वेबसाइट का लिंक आ जाएगा और आप लोग आराम से उस वेबसाइट पे जाके विजिट कर सकते हो और देख सकते हो उसने वो इन्फॉर्मेशन आपको कहां से दिया था। नेक्स्ट अगर आप लोग शेयर पे क्लिक करते हो तो आप लोग इस रिस्पॉन्स को आपने अपने पूरे चैट को किसी के साथ शेयर कर सकते हो। आपको शेयर पे क्लिक करना है एंड आप लोग क्रिएट पब्लिक लिंक पे क्लिक करके इस लिंक को किसी के साथ शेयर कर सकते हो और ये आपके पूरे चैट को कोई भी पढ़ सकता है। एंड यहीं पे शेयर में और भी ऑप्शन है कि आप लोग एक्सपोर्ट कर सकते हो डॉक्स में या तो ईमेल में भी किसी को शेयर कर सकते हो। एंड नेक्स्ट है कि मुझे ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही ज़्यादा लंबा लग रहा है कि हाँ इतना ज़्यादा मैं पढ़ूँ, तो उसके लिए आप लोगों को मॉडिफाइड रिस्पॉन्स पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपके सामने कुछ ऑप्शन है। जैसे कि सबसे पहले तो मैं इसे और भी ज़्यादा सिंपलर कर सकता हूँ। अगर मुझे वो लैंग्वेज समझ नहीं आ रहा है, मुझे थोड़ा हार्ड लग रहा है, तो मैं इसे और भी सिंपलर बना सकता हूँ जिससे कि मैं बहुत ही आसानी से समझ सकूँ। तो आप लोग देख सकते हो उसने इतने बड़े आर्टिकल को बहुत ही ज़्यादा कॉन्साइज कर दिया, बहुत ही ज़्यादा छोटा कर दिया जिससे कि मैं आसानी से पढ़ सकता हूँ। अगर मैं चाहता हूँ इसे और भी थोड़ा सिंपलर करना है तो मैं इस पर अगर दोबारा क्लिक करूँ तो ये और भी ज़्यादा सिंपल कर देगा जिससे कि मैं आसानी से इसे समझ पाऊंगा। तो आप लोग देख सकते हो मुझे उतना बड़ा आर्टिकल नहीं पढ़ना पड़ा, मुझे आसानी से सिर्फ दो लाइंस में पता चल गया कि मैं चिकन बिरयानी को और ज़्यादा टेस्टी कैसे बना सकता हूँ। और यहीं पे मॉडिफाइड रिस्पॉन्स में ही अगर आप लोग क्लिक करोगे तो आपके सामने मोर कैजुअल, मोर प्रोफेशनल ये सब भी ऑप्शन है, तो आप लोग इसका भी यूज कर सकते हो। और यहीं पे आप लोग गूगल मैप्स का भी यूज कर सकते हो और कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हो। जैसे कि मैंने इससे पूछा टेल मी अबाउट द बेस्ट पिज्जा ऑप्शन अवेलेबल इन पटना विद बेस्ट रेटिंग। तो आप लोग देख सकते हो हेयर आर सम हाईली रेटेड पिज्जा प्लेसेस इन पटना अकॉर्डिंग टू गूगल मैप्स। तो ये कुछ हाईली रेटेड प्लेसेस है जहाँ पे मैं जाके पिज्जा खा सकता हूँ। और आप लोग देख सकते हो अगर मैं इस पे नेम पे क्लिक करता हूँ तो ये मुझे उसके डायरेक्ट वेबसाइट पे लेके जा रहा है और साथ ही साथ नीचे मैप भी है, वहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि हाँ मैं कहाँ पे जाके पिज्जा खा सकता हूँ। और अगर मैं उस मैप पे जाना चाहता हूँ तो वहाँ पे भी मैं क्लिक कर सकता हूँ और मुझे यहाँ पे डिटेल लोकेशन दिखा दूंगा। मैं अगर डायरेक्शन सर्च करना चाहता हूँ तो मैं डायरेक्टली लोकेशन सर्च कर सकता हूँ और
मुझे टैक्स भी मिल जाएगा, कैसे मैं वहाँ पे जा सकता हूँ। तो जब आप लोग जेमिनी को गूगल वर्क स्पेस के साथ यूज करते हो तो इसका पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। आप लोग बहुत काम करा सकते हो इससे और बहुत ही चीजों में इसका यूज कर सकते हो जो कि चैट जीपीटी या कोई और एआई में पॉसिबल नहीं है। और जेमिनी का यूज करके आप लोग किसी ब्लॉग को भी आसानी से पढ़ सकते हो और उसका की पॉइंट्स को नोट कर सकते हो। मुझे बस उस ब्लॉग को ओपन करना है, उसके लिंक को कॉपी करना है और मुझे जेमिनी में आके उस यूआरएल को पेस्ट कर देना है और मुझे जेमिनी को बोलना है गिव मी द की पॉइंट्स फ्रॉम दिस ब्लॉग। एंड आप लोग देख सकते हो आपके सामने यहाँ पे की पॉइंट्स भी आ जाएंगे, आपको पूरा का पूरा ब्लॉग नहीं पढ़ना होगा। तो ऐसे करके आप लोग जेमिनी का यूज करके किसी आर्टिकल को पढ़ सकते हो, पूरा का पूरा बुक का समरी अगर आपको चाहिए तो आप लोग वो भी पढ़ सकते हो। और अगर आपको किसी यूट्यूब वीडियो का समरी चाहिए तो आपको बस यूट्यूब वीडियो का लिंक लाके यहाँ पे देना है और अगर आप लोग बोलते हो समरी तो वो आपके सामने यूट्यूब वीडियो का समरी भी आ जाएगा। और अगर आप लोग जीमेल को ओपन करते हो तो आपके सामने यहाँ पे हेल्प मी राइट का ऑप्शन भी आ चुका है, आपको इस बटन पे क्लिक करना है एंड हेल्प मी राइट पे क्लिक करना है। एंड यहाँ से आपको जिस भी टॉपिक पे ईमेल लिखवाना है आपको उसे टाइप करना है और क्रिएट पे क्लिक करना है और ये आपके लिए ईमेल भी लिख देगा, आपको कुछ भी नहीं करना पड़ा। और जेमिनी का यूज करके आप लोग इमेज भी जनरेट कर सकते हो, आपको बस प्रॉम्प्ट देना है और आप लोग इमेज जनरेट कर सकते हो। साथ ही अगर आपके पास कोई इमेज है तो आप इसमें उसे अपलोड करके उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन भी पूछ सकते हो। तो ये तुम पे डिपेंड करता है तुम लोग जेमिनी को किस लेवल तक यूज कर सकते हो, तुम लोग क्या क्या चीज को इंटीग्रेट कर सकते हो इसके साथ और उससे इन्फॉर्मेशन निकलवा सकते हो। जैसे कि मैंने स्विगी स्पेंडिंग, जोमेटो स्पेंडिंग ये सब ट्राई किया, जैसे कि मैंने IRCTC स्पेंडिंग ट्राई किया, अमेजन ऑर्डर्स ट्राई किए, अपने एक्सिस बैंक में कितने पैसे आए मेरे अकाउंट में मैंने वो ट्राई किया। तो ऐसे करके तुम लोग एंडलेस पॉसिबिलिटीज है, तुम लोग कुछ भी कर सकते हो, जाके ट्राई करो। तुम्हारे पास और भी कोई भी क्वेश्चन है जेमिनी से रिलेटेड तो नीचे कमेंट करो, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। और मुझे इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट कर सकते हो और वहाँ पे भी क्वेश्चन पूछ सकते हो।